विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला अस्पताल परिसर में लगाए गए शिविर में लगभग 87 मरीजों ने नामांकन कराया। इस अवसर पर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित साहू ने मरीजों की जांच करके उन्हें निःशुल्क दवा वितरित किया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक हफ्ता तक जिला चिकित्सालय में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय के ओपीडी विभाग के कमरा नंबर 2 में मानसिक रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। शिविर में मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शाही, रमेंद्र त्रिपाठी, जेपी राव, विश्व कुमार शर्मा, प्रदीप, संजीव निषाद, ज्योति निषाद सहित मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर और स्टाफ के सहयोग से मरीजों का जाँच करके निःशुल्क दवा वितरित किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शाही ने कहा, कोई सावित्री ये पर्चा कहाँ है? पर्चा बाकी है जमा करने के लिए। अब जो काम शुरू हो रहा है करके एक ही फोटो बार बार ना आवे। बड़ी तोड़ फोड़ मारपीट गाली गलौज करने लगे जमा है बैठ जाए आप लोग बैठे खड़े ना सिस्टम होता है उसको फिर अपने पास अपने पास थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि ये कार्यक्रम क्या है। आज WHO ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की घोषणा 10 अक्टूबर के दिन कर रखी है और ये हम लोग मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, मतलब उस दिन जागरूकता। इस बार जो आया है शासन से निर्देश आया है शासन से कि हम लोग विभिन्न कार्यक्रम करेंगे पूरे सप्ताह, एक सप्ताह मना रहे हैं जागरूकता सप्ताह, जिससे हम मरीजों को मानसिक रोगों के लक्षणों के बारे में जागरूक करेंगे ताकि उनको जान करके और वो लोग मानसिक रोग चिकित्सक के पास आएँ, अपना इलाज ले सकें और बेहतर स्वस्थ हो सकें, बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे पाएँ। तो आज हम लोग ये जागरूकता कैंप कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मरीजों को देख रहे हैं। इस कैंप में जो भी मानसिक रोग से जो आ रहे हैं उनको मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, और उनका परीक्षण करके उनको इलाज भी, दवाएं भी यहाँ से दी जा रही हैं। आपने पूछा कि कितने मरीज आए और किस तरह के मरीज आए, तो मरीज लगभग 80 के आसपास अभी तक आ चुके हैं और इन लोगों में हर तरह के मानसिक रोग के लक्षण से ग्रसित लोग आ रहे हैं। ज़्यादातर संख्या उदासी, जिसको हम लोग बीमारी के तौर पे अवसाद या डिप्रेशन बोलते हैं, उसके मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। घबराहट और तनाव के भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं और कुछ मरीज हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर के भी अभी इसमें आए हैं और साइकोसिस के भी मरीज आए हैं, जिसको सिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है, मनोविदलता, उसके मरीज भी यहाँ अभी तक आ चुके हैं। काफ़ी लोग इसमें मानसिक स्वास्थ्य इस बदलते हुए विश्व में कैसा है, क्या है, तो क्या वजह है कि युवा वर्ग में ये हो रहा है। वजह हम
सभी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन इस तरह का परिवर्तन जो नुकसानदेह है वो भी हो रहा है। तो जो नुकसानदेह परिवर्तन है वो हमारी जीवन शैली से संबंधित है। हमारी जीवन शैली, दिनचर्या अब उतनी नियमित नहीं रह गई, सहमित नहीं रह गई, हम उतने अनुशासित नहीं रह गए हैं। ये युवा वर्ग का एक में एक इस समय एक चलन चल रहा है, देर रात तक जगना, मोबाइल पे लगे रहना, और आज तो मोबाइल एडिक्शन भी एक बीमारी का श्रेणी में आ गया है। इसको बाकायदा विश्व की बॉडियों ने रखा हुआ है कि ये एक बीमारी है। तो देर रात तक जगना कोई सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है। चलना टहलना जो था पहले वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और आंतरिक रूप से हम लोग ज़्यादा सेंटर्ड होते जा रहे हैं, केंद्रित होते जा रहे हैं अपनी तरफ। और ये कारण, इन कारणों का जब विश्लेषण विस्तार में किया जाता है तो ये समझ में आता है कि ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इनकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, तनाव बढ़ता है और तनाव से ही विभिन्न तरह के अवसाद हुआ, और भी जो साइकोटिक बीमारियां हैं, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलरिटी, ये सब भी तनाव से प्रेसिपिटेट हो जाती है। बिल्कुल, एक सबसे सर्वोत्तम उपाय जो सभी के लिए सुलभ भी है वो यही कहा जाता है कि प्रकृति से के नज़दीक रहें जितना संभव हो सके। प्रकृति के नज़दीक रहने से आशय ये है कि दिनचर्या आपकी नियमित हो, संयमित हो, समय से उठना, समय से सोना, समय से खान पान का ध्यान रखना, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान रखना, कोई बीमारी ना हो, शारीरिक रोग ना हो। अगर शारीरिक रोग हमारे में हो रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो इन सभी बीमारियों के साथ जुड़ी हुई मानसिक बीमारियाँ आ जाती हैं। तो शारीरिक रूप से हम अपने आप को स्वस्थ रखें, प्रसन्नचित रहने का प्रयास करें और तनाव का प्रबंधन सीखें। जीवन में तनाव तो आएंगे, उनका कुछ नहीं किया जा सकता कि नहीं आए, लेकिन कैसे उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना है, कैसे उनका प्रबंधन कर लेना है, ये तकनीक सीख के, और ये हम लोग भी सिखाते हैं, साइकोलॉजिस्ट सिखाते हैं, और बाकी हमारा अपना संस्कृति भी ऐसी है कि बहुत सी विधाएं उसमें भी प्रचलित हैं तनाव प्रबंधन की, उनको हम माने सुने और उनका पालन करें। एक स्वस्थ दिनचर्या अपना के हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं।